नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हेमंत कटारा और आप देख रहे हैं इस समय मथुरा से सीधा ये मथुरा की बात है। और मेरे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, ताराचंद गोस्वामी जी। चर्चा करने से पहले मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो जीवन प्रक्रियाएं रहीं, किस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, किस तरीके से उन्होंने जनता की आवाज़ बने, तो उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जी सर, मेरा नाम ताराचंद गोस्वामी है। ऐसे तो मैं आज़ाद हिंद फौज में, मेरे पिताजी सूबेदार थे, मैं उनका पुत्र हूँ, जो मथुरा में कोई नहीं है। दूसरा, मैं कांग्रेस में रहा क्योंकि कांग्रेस का ही समय रहा। किन्हीं कारणों से मैं संसात में मैंने कांग्रेस छोड़ दी, आरएलडी में आ गया। हमने सोचा कि आप हर किसी के झंडे के नीचे रहेंगे, जब देश आजाद हो चुका है तो हम गुलाम क्यों रहे। तो मैंने एक रजिस्टर्ड संस्था कराई है सरकार से, उसका नाम रखा है मैंने किसान गरीब मजदूर एकता के नाम से। उसका स्वयं अध्यक्ष हूं मैं और गैर राजनीतिक है, चाहे उसमें कोई भी हमारा समर्थन कर सकता है और मैं किसी के में भी जा सकता हूं। ये तो मेरा। और दूसरा, आंदोलन वाली बात करते हैं आप, शायद बड़ी बात तो मैं नहीं कर रहा हूं। ये जवाहर बाग जो देखा आपने, उसका मुख्य मैं उसके अंदर भूमिका निभाने वाला हूं। उसमें दो गवाही दी, सीबीआई को भी दी, और जिन्होंने एक एक्स हाईकोर्ट के जज मुतरजा बनाए थे वहां भी दी। मैंने दोनों से कहा आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप। आखिर वो ही हुआ, जो आदमी 3 दिन की बात करने के लिए 14 में आए और कितना समय रहे, वो 4 वर्ष सिटी मजिस्ट्रेट को मारा, एसओ को मारा, ब्रेन हेमरेज हो गया उसका। नहीं, वो घटना निंदनीय थी, हमने भी करीब से देखा। हाँ। है, आज भी हमारी रूह कांप जाती है क्योंकि हम भी वहां कवरेज कर रहे थे उस दरमियान, क्या कुछ रहा, कितने सिपाही मरे, कितने नुकसान हुआ, शासन सरकार का भी लॉस हुआ। हाँ। उसमें जी। दूसरा, मेरा मुख्य है, चाहे गरीब व्यक्ति कोई भी हो, चाहे आप देखें ये जो भूबड़िया लोग हैं, ये अपना लोहा पीटते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, और कहां पर पड़े हुए, नालों के किनारे पर जी। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है जी। सरकार ऐसे लोगों को आवास क्यों नहीं देती है, ऐसे लोगों को दे जिनका राशन कार्ड भी है, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम। और यहां उन लोगों को दो दो पीढ़ी, तीन तीन पीढ़ी गुजर गया उसी जगह पर रहते हुए। एक तरफ बहुत बड़ी सरकार दुहाई देती है कि हम गरीबों के लिए हैं, आज भी कह रहे गरीबों के लिए, लेकिन आखिर वो गरीबों के लिए है कहां। दूसरा, एक बहुत बड़ा भी ताजी मुद्दा चल रहा है, मुद्दे की बात मैं करूंगा आपसे, मुद्दे की भी चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा जानने आपसे ये सबसे पहले जरूरी है कि मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, जिस तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं, तरह तरह के एक अनोखे प्रदर्शन करते हैं आप, कभी सब्जी को लेकर के, कभी माल सब्जी की माला बना लेना, कभी रोड पे खाना बनाना, कभी थाली और ताली बजाना, तो इस तरीके के प्रदर्शन करने का क्या कुछ असर होता है और क्या कुछ लाभ होता है इससे। आदमी की एक जुनून होता है, मैं हूं निस्वार्थ भाव, मैंने कभी जो भी आंदोलन किया, जैसे किसी भी चीज का, किसी को कुछ लग जाए, जैसे कि मेरी चाय नहीं मिलेगी मुझे तो तब तक मेरी तृप्ति नहीं होगी, इसी प्रकार से
मैं भी कोई जनहित का मुद्दा जन की आवाज को जनता तक पहुंचाऊं वो मेरी इच्छा रहती है, एक जुनून है मुझे सिर्फ। अभी जैसे चेट का दशहरा आता है, यमुना में पानी है नहीं, इन्होंने भी बहुत दुहाई दी, कांग्रेस का समय आया तो पैदल गए हम दिल्ली तक, ये बोले हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना को अवश्य शुद्ध करेंगे। गडकरी जी कहते हैं कि मैं इसमें स्टीमर चला दूंगा, पानी तो है नहीं, आखिर स्टीमर कहां चलाओगे आप, इनको ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों को न तो उन्हें धरातल पे देखा है कि दूसरी बात, ऐसी भर गर्मी में मैं एक दिन पहले यमुना में यानी रेती से स्नान, बालू से स्नान किया था, मैंने देखा था, बहुत चर्चा का विषय बना रहा था वो, क्या कारण था वो बालू से स्नान करने का? यमुना में जल नहीं है, यदि वहां पर श्रद्धालु स्नान करेगा तो उसका शरीर सड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक संदेश दिया कि पानी तो है नहीं तो मैं बालू से स्नान करूं ताकि कुछ प्रशासन को शर्म आए, यहां पर गंगा जल को इस पावन पर्व पर छोड़ा जाए, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मथुरा की तो कानून व्यवस्था लचर पचर है कहीं ना कहीं, क्या मानते हैं कानून व्यवस्था तो पूरे प्रदेश में नहीं है। अभी देखिए राखी कांड कितना बड़ा कांड हुआ 17 में, पता नहीं किसी ने उनको बोल दिया लड़की को, राखी को, उसके मां बाप तो मार दिए थे, क्या पुनः बुलाई आप, मैं पहुंचा मुश्किल से 6-7 रोज हुआ होगा। वो लड़की बड़ी थी, 2 बच्चे थे, राहुल छोटे भाई का नाम है, और वो बिचारी ऐसी स्थिति थी उसकी कि मैं कह नहीं सकता हूं, बड़ा कष्ट हुआ। मैंने उसको उस समय कुछ नहीं कहा, मैंने अपना नंबर नाम दे दिया, बेटा जब जैसे जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। 1 महीने के बाद उसने मुझे बुलाया, बोले अंकल जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बेटा मैं घर ही आ जाऊंगा, अमर कॉलोनी मैं पहुंचा, बोले अंकल जी मेरे पास मामा जी आए, मेरे पास फूफा जी आए, सब आए, क्या बोले तो उस मकान को बेच दे और हमारे साथ चल। तो मुझे परमात्मा ने बुद्धि दी कि ये तो सब धन को आ रहे हैं। मैंने कुंवर साहब से कहा, नरेंद्र सिंह जी से, राजेंद्र सिकरवार जी से कहा, जो अच्छे लोग थे, मैंने कहा देखिए थोड़ी उसकी मदद आर्थिक की जाए। वहां पहुंचे हम लोग, लगभग 1 लाख रुपया हमने उसको दिया, सामान आटा। तो वो क्या बोली, मीडिया में थी, अंकल मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने माँ बाप के हत्यारों को गिरफ्तार कराने के लिए आपसे मैंने निवेदन किया है। हम लोग 3 बार गए लेकिन स्थिति ये रही कि ढक के 3 बार आश्वासन ही मिलता रहा। उसके बाद में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और भूख हड़ताल की। वहां एक भप्पारी थे SSP पहाड़ी, रात का समय था, हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते थे, बेटियां थी 5-7, हमारे साथ महिलाएं भी थी। वो आए, आकर के उन्होंने कहा, बेटा मैं जब जाता हूं मेरा यही निवास है, आप जो है पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा अंकल कोई नहीं करेगा मेरी मदद। आखिर स्थिति ये हुई, आज तक भी वह वहीं दब करके रह गया। और वो लड़की ने वीडियो डाल दी, सबसे अधिकारियों से कहा कि मैं, मेरे माँ बाप के हत्यारों को यदि नहीं पकड़ा, ये खुलासा नहीं हुआ, तो मैं जान दे दूंगी, जिसका आज भी मेरे पास साक्ष्य है उनके। हर उस लड़की ने DM जितने SP आए, लेकिन बहरहाल उन पर कुछ नहीं हुआ और वो लड़की 8 अक्टूबर को मर गई थी। आज स्थिति वहीं खत्म हो गई। जैसी देख लो आप, ये लड़की डहरुआ में, क्या उम्र है, बलात्कार किया, मार दिया, पुलिस ने दोषी को पकड़ तो लिया, उसमें जेल हो गई, उसमें ही बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद हुआ इनाम रखी है कहीं, उसमें एक राधा चौधरी हैं कांग्रेस की नेता हैं, उनके ऊपर मुकदमा लिखा गया इसी मुद्दे को लेकर के। दूसरा, हमारे माननीय यहाँ के जो विधायक हैं
मंत्री हैं आज वो जी, उनके गांव में आज तक वो लड़की गुजर की का अपहरण हुआ तक नहीं बरामद हुई। 13 साल की लड़की सन 17 में गोधूलपुरम वृंदावन में अपहरण हुआ, आज तक बरामद नहीं हुई। आखिर कानून व्यवस्था है कहां? कानून व्यवस्था नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी विडंबना, हमारे ब्रज में आकाशवाणी, गायत्री तपोभूमि, चामुंडा देवी, बिरला मंदिर, पीएमबी, बहुत रास्ते पड़ते हैं, यहां से मुख्य मार्ग है ये वृंदावन जाने के लिए। ये मैंने सन 5 से लेके 7 तक इस पे आंदोलन किया था, इसको बनवाने के लिए 2 साल, जो आज भी मेरे पास साक्ष्य है। उस समय मायावती सरकार थी, कांग्रेस सेंटर में थी, स्थिति यह थी कि वहां इतना इतना पानी हो जाता था उस रोड पर। शैलेंद्र सिंह सिटी मजिस्ट्रेट थे उस समय, हमने बैरियर लगा दिया था लगातार, ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, मेरे पास सब रिकॉर्ड है आज। नियो समय चालू हुआ ही था, उस पर उन्होंने मेरी क्या लगा दी, एड बना दिया, मैं पानी में बैठ के किया उसमें आंदोलन। और एक गिरवर शर्मा थे जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अलीगढ़ के, उनका ठेका था, आज भी विश्व बैंक से काम हो रहा है, उस समय भी विश्व बैंक से काम हुआ। तो हमने अपनी मांग रखी थी कि इसको आरसीसी बनाया जाएगा तो बनने देंगे, अन्यथा नहीं बनने देंगे। उन्होंने हमारी बात को माना, शैलेंद्र सिंह जी ने 20,000 प्रतिदिन रुपए उनको कहा कि जुर्माना देना पड़ेगा यदि एक दिन काम नहीं होगा, तो वो बन गया। और ऐसा रोड बना वो कि शायद 100 वर्ष में समाप्त नहीं हो सकता है, इन लोगों ने उसको सब समाप्त करके पटक दिया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं जल निगम संस्था को, क्या आप ऐसा रोड बनाकर देंगे जो आपने इस प्रकार से इतनी इतनी बड़ी शरिया थी, ये जनता का पैसा है, ये तुम्हारा पैसा नहीं है जो आज लगा रहे हैं आप, जनता टैक्स देती है जब जाके चलती है। अब स्थिति क्या आएगी, वहां एक लड़का मर गया बिरला मंदिर पर दब करके इन्हीं से, लेकिन इनके कान जू पर नहीं रहेगी, स्थिति आ गई है। नहीं, मथुरा की सड़कें तो इस समय बिल्कुल निंदनीय है, कहीं भी देख लीजिए आप, हर जगह गड्ढे, सड़क दो दो हाथ नीचे दसी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना था नवरात्रि से पहले ब्रज स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, गड्ढे मुक्त होगा, ब्रज के लिए बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो मथुरा में एक भी सड़क कहीं से मुझे दिखा दी जाए कोई भी, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने किसी सड़क को समाप्त किया है तो आप एक ही बार क्यों नहीं पाइप डाल रहे हैं उसमें? एक बार डाल दिया, फिर ढक दिया, फिर दोबारा डाल दिया, फिर दोबारा डाल दिया, आज चौथी बार वहां पर पाइपलाइन मैं तो दृष्टि के सामने डाली जा रही है। बताइए आदमी कहां से आएगा? मान लो लोकल है, चलाएगा किसी गली में से या कहीं से, परदेशी कैसे आएगा यहां पर? आज वृंदावन में बांके बिहारी खुल चुके हैं और मंदिर खुल चुके हैं, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, इससे आगामी अक्षय नवमी आने वाली है, देवउठनी एकादशी आने वाली है, लाखों परिक्रमा देंगे, कैसी परिक्रमा देंगे? यदि वहां पर आज मौत के कुएं बना दिए, 20-20 फुट गड्ढे वहां पर खोद रखे हैं, आखिर वहां पर कोई जनहानि होती है या मर जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो जल निगम संस्था के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, जल निगम संस्था बना रही है इसको, गंगा नमामि है, लेकिन ठीक है बनाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन जनता का भी तो देखिए आप। नहीं, बनी हुई सड़कों को खोदने का क्या मकसद था? कुछ सड़कें ऐसी थी, जैसे कि आप यहाँ कृष्णापुरी वाली सड़क देख लीजिए जो होली गेट के लिए जाते हैं, वो कितना बढ़िया ईंटों से बनी हुई थी, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं थी, शायद उसको 15 साल तक हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस सड़क को जल निगम ने पूरा खोदा, उसमें फिर डाबर डाल दी। कारण क्या है सबसे बड़ा? यदि हम सड़क नहीं खोदेंगे, यदि सड़क नहीं तोड़ेंगे, तो फिर हम खाएंगे कैसे? ये एक
व्यवस्था बनाई है। आम जनमानस को तो परेशानी हो रही है। अब ये तो जिलाधिकारी जी को सोचना चाहिए। अभी कल परसों जिलाधिकारी जी गए थे, जहाँ ADG आए थे उद्घाटन करने के लिए, ये जो इन्होंने चला रखा है, ये नारी शक्ति जो लड़कियों के 15-15 टुकड़े होते हैं, जिनका सर नहीं मिलता है, ये ऐसी आवाज देने वाले लोग आज वहां जा रहे हैं। DM फंस गए बेचारे, पुलिस वालों ने यानी वृद्ध जनों को, भ्रष्ट नागरिकों को पीटा, बताइए कहाँ का ये। आप तो, मुझे ऐसा लग रहा है अंग्रेजों की बात याद आ रही है, ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा। उनके यहां भ्रष्टाचार तो नहीं था, उनके अनुशासन था, उनका पुल देखिए आप। DM साहब को काफी समय हो गया टिके हुए हैं, अभी तो टिके हुए हैं ना, काफी समय हो गया। अब आपको सब मालूम है, सबको मालूम है, पूरे मथुरा को, कोई बात छिपती नहीं है, कहीं ना कहीं हाथ है, संरक्षण है। और देखिए बात यह है कि जहां कहीं है, कोरोना पे तो कोई बात नहीं हो रही है, कोरोना है ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, कोरोना में ये फर्जी डॉक्टर सैंपलिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोरोना है क्या बीमारी? उसका नाम तो कोरोना हो गया, लेकिन नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय गेम है ये। देख, कोरोना जुकाम किसको नहीं होता, बुखार किसको नहीं आता है, तो हमने इंटर में भी पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि कोरोना नाम रख दिया, इसमें पढ़ा है हमने, उसमें भी कोरोना का जिक्र है। लेकिन बताया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि वो कोरोना एक अलग कोरोना था, ये कोरोना 100 गुना नुकसानदायक है, ऐसा कुछ प्रचलन बता कुछ नहीं है। और इसका नाम धरने का कारण ये है कि ये 2019 में आया था, इसलिए इसको COVID-19 कहा गया है। बात कुछ नहीं है साहब, सिर्फ सीधी सीधी बात है, हर तरीका से हमें खाना है, जनता को चूसना है, हर चीज जनता पर है। जिला अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, बिल्कुल लचर पचर है, आदमी तड़पते हैं, महिलाएं बच्चा रस्ते में जन्म देती हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था देख लीजिए, सारी झज्जर पड़ी है। एम्बुलेंस के ड्राइवर का खुद कहना है, मैंने अभी कुछ दिन पहले इनपुट किया, ड्राइवर का यह कहना कि साहब हम तो यहाँ उल्टे बीमार हो जाए, हम इसमें मरीज बन जाते हैं। ऐसा हुआ, अभी मैंने निकाला इसी मंडी पर, किट जो पहन रखी थी, अब उसने नहीं पहनी तो बेहोश हो गया वो, और बेहोश होने पर उसको पता ही नहीं है, कुदरती नजारा, गाड़ी पलटने वाली थी, लोगों को बुलाया तुरंत। मरीज को क्या ले जाएंगे जब इनकी खुद ही एम्बुलेंस में बीमार हो जाएंगे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि कोरोना के नाम पर भी ये लोग अवैध रूप से धन कमा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो डॉक्टर हैं, बहुत से आगरा के हैं, उनका क्यों नहीं यहां पर रहने की व्यवस्था की जाती है, इसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं रहते हैं? दूसरा, कितने डॉक्टरों की, सरकारियों की प्राइवेट नर्सिंग होम है मथुरा में, यानी वहां तो एक नाम है, लाख सवा लाख रुपए मिलता है, और उसके बाद अपना वो नर्सिंग होम भी चला रहे हैं। तो आखिर दूसरा, ये जो दवाइयां स्टोर भेज देते हैं, ऐसे ही सामान को फेंक देते हैं, सरंज है खरा, प्रदूषण की बात करते हैं, प्रदूषण आखिर कुछ नहीं है। जब तक मनुष्य या का जिला प्रशासन सही ढंग से काम नहीं करेगा, ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा, ये व्यवस्था इसी प्रकार से लचर होती रहेंगी, उसका जो है दंड कौन भोगेगा? आम जनता, जिनको पता ही नहीं बेचारों को। आज भी हमारे यहाँ ग्रामीण अंचल में अशिक्षा का अभाव है, शिक्षा की, मैं पूछ रहा हूं, शिक्षा को समानता क्यों नहीं करते हैं? गरीब आदमी कैसे पढ़ा पाएगा श्रीजी बाबा में, अमरनाथ में, क्यों नहीं समानता करते हैं आप? शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य, ये तीन चीज की जिम्मेदारी प्रशासन की है, और ये बात भी करते हैं, चुनाव जब आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद ये सब भूल जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम हमारी आवाज, आपकी आवाज, क्योंकि चौथा स्तंभ होता है मीडिया जी। जंगल में नाचा मोर किसने देखा? मीडिया ही बताएगी, मीडिया ही लोगों को जगाएगी, प्रशासन को भी जगाएगी,
ये जो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं ये सिर्फ मीडिया से ही जग सकते हैं। और चौथा स्तंभ होता है मीडिया। तो सबसे पहले तो मैं आपको कटारा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरी चीज, कुछ आदमी की इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इच्छा माने ऐसा नहीं है, चाहे हमारी मुक्ति की क्यों ना इच्छा हो, सुर नर मुन सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे उसका नाम का ही क्यों ना हो, वो भी स्वार्थ है, तभी तो किया है, तभी तो मैं कर रहा हूं, और नहीं तो लोग। और रहा एक बहुत बड़ा अच्छा दोहा है धार्मिक में, कै जननी तू भक्त जन, कै जननी तू भक्त जन या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बाज रहे मति गमावे दूंगा। यदि आज भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। शादी तो वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि देश के लिए पहले है तो मेरी जो भावना है। कुछ लोग जीते हैं अपने लिए, जन्म लेते हैं और उसके बाद भी अपना ही परिवार का पालन करते हैं। यदि मान लो आज हम लड़की की शादी करें तो क्या एहसान कर रहे हैं, यदि हमने कोठी बना ली तो क्या एहसान कर रहे हैं हम, कुछ नहीं, वो अपने लिए बनाया है। नहीं, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, किसान की जिस तरीके से अगर बात करें हम फसल को लेकर के, सरकार ने एक रेट तय की है कि साहब आपका धान 1900 रुपये लिया जाएगा या 1500 रुपये लिया जाएगा, लेकिन जब वो मंडी में धान लेके जा रहा है तो उसको धान को नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तक कि अगर लिया भी जा रहा है तो 1000 और 950 लिया जा रहा है, तो ये किन की कमी है, ये क्या क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? जो सरकार ने कानून पास किया है कृषि अध्यादेश, ये किसान को मारने के लिए किया है। MSP क्यों नहीं लगाया इन्होंने, जब रेट 1900 रुपए, इससे तीसरी साल पहले, इससे 5 साल पहले पूर्व की सरकार में 4,3500 रुपए धान बिका, आज धान खरीदने वाला नहीं है कोई, और किसान रो रहे हैं, बिखर रहा है। बहुत से लोगों ने तो धान के खेतों को ही जुतवा डाला, क्योंकि बोले मिलेगा तो है नहीं। अब आलू का भाव देख लीजिए आप, जब किसान का आलू मंडी में आता है क्या भाव बिकता है, 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, आज क्या भाव बिक रहा है, 40 से 50, 4,000 का कट्टा बीज बोने के लिए किसान को, खाद है नहीं, 50 किलो का आता था। आलू और प्याज की भी मार झेल रहा है इस समय गरीब, प्याज का भाव, प्याज 80 से 100 रुपए सेंचुरी मार गई, यानी 100 हो गई साहब, 100 हो गई। अब बताइए आप, पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ से पाकिस्तान लेता है, हमारे यहाँ से श्रीलंका लेता है, वहां पर 40 रुपए लीटर है, और हमारे यहाँ 82-83 रुपए है। पेट्रोल डीजल की तरफ कोई बोलेगा नहीं, किसान की तरफ कोई बोलेगा नहीं। आज गन्ना का भाव देखिए आप, गन्ने का रुपया करोड़ों रुपए आज तक पिछले साल का बकाया है किसानों का, पेमेंट नहीं हुआ है। यहां तक है कि मेरी आड़तियों से भी बात हुई, उन्होंने कहा गोस्वामी जी हमने 1910 रुपए में क्विंटल गेहूं खरीदा और हम बेच के आ रहे हैं इस समय 1600 रुपए। यानी ये लोग, ये कानून जो लगाई इन्होंने, ये आड़तियों को भी खत्म करना चाहते हैं, ये व्यापार खत्म करना चाहते हैं, ये किसान को खत्म करना चाहते हैं, ये भी यानी एक इसको प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं, यानी खेती तुम्हारी करेंगे हम, खरीदेगा कौन, हमारे पूंजीपति, हर चीज को निजी, बैंक निजीकरण, LIC निजीकरण, रेलवे निजीकरण, यानी हर काम को निजीकरण, आखिर किसी जनता को नहीं छोड़ेंगे आप। तो किसान आज भुखमरी के कगार पर है, और यहां तक है बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1,00,000 रुपए लोन लेने जाए किसान, उसका खेत बिक जाता है,
पूंजीपति यदि वो लोन पैसा लेते हैं तो बैंक बिक जाती है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, तो किसान को आखिर बिल क्या रहा? तो भैया किसान पे भी 3% GST लगा दिए, हर जगह GST है सब, किसान की तो मुक्त, हाँ किसान के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस समय चौधरी चरण सिंह जी थे हमारे देश में, उन्होंने ही एक ऐसा काम किया, नहीं तो ट्रैक्टरों पे लगता, ये लेखपाल खत्म नहीं होते, इनका जो जन्म होता रहता वही लेखपाल बनता रहता। DPT गिरी, जो भी किसान का योगदान रहा उसमें, तब जाके वो 23 पहुंची। हमारा देश किसान प्रधान देश है, 70% हमारा किसान इस देश में रहता है। मैं आपको एक अयोध्या की बात बताता हूँ। अभी एक अयोध्या में अयोध्या एक्सप्रेस के नाम से रोड बन रहा है, वहाँ धर्मपुरा है, ब्राह्मणों का है, वो बराबर में 45 और 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन ली उन्होंने, अधिग्रहण की है, उनकी कितनी ले रहे, 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों? ब्राह्मणों ने सरजू नदी में खड़े होकर के जनों की कसम खाई है कि हमने ही तुमको योगी जी बनाया था, और आने वाला समय हम कसम लेते हैं जनेऊ की, ब्राह्मण होकर के हम आपको इस बार नहीं बनने देंगे। तो किसान का तो हर जगह विनाश हो रहा है, कहीं भी देख लीजिए आप, किसान पर लाठीचार्ज होना, यानी किस हर चीज में किसान के बिना इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। आज किसान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, पानी समय पर मिलता नहीं, बिजली कितने मिल रही है, मुश्किल से 4 घंटे 6 घंटे, अरे 12 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अभी कितने ही किसानों का आंदोलन हुआ, मैं गया बलदेव में, लेकिन सिंचाई के नाम पर रज भाई अटे पड़े हैं, मतलब ये खाद 50 का 45 किलो कर दिया है, रेट बढ़ा दिए हैं, तो किसान के लिए भी कुछ नहीं है। आज सबको जागना पड़ेगा, अपनी पहचान स्वयं करनी पड़ेगी, जैसे कि हनुमान को भेजा था लंका में, तो जामन जी ने कहा था अपने को पहचानो हनुमान जी, तो इसलिए आज स्वयं को भी जागना पड़ेगा। और ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, यानी जहां इनकी सरकार नहीं है वहां तो आंदोलन करते हैं, अभी वहां मंदिर खुलवाने के लिए बंबई में धरना पर बैठ गए, अभी गोवर्धन ने खोला बिहारी जी पे, हमने किया जब जाके खुल पाया, यानी जहां इनकी सरकार है वो वहां नहीं करेंगे, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और किसान, हमारा देश में रहेगा तो हमारा देश बचेगा, नहीं तो देश बिक जाए। जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की, अब पुलिस प्रशासन इस समय क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों को सताया जा रहा है, चालान के नाम पर, मास्क के नाम पर, हेलमेट के नाम पर, कानून व्यवस्था पे क्या कुछ कहना है? कानून व्यवस्था पर हम ये कहना चाहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सबके सबसे संबंध होते हैं, हमने कहा 1,000 रुपया आप चालान कर रहे हैं, बोले साहब क्या करें, ऊपर का आदेश है, हमें रोज देना 20,000 रुपये। अब जब एक ट्रैफिक वाला ऐसी बात कर रहा है तो कितना लाख रुपए उत्तर प्रदेश मथुरा में होगा और उत्तर प्रदेश में कितना होगा? भाई कभी मान लो मैं दवाई लेने जा रहा हूं, इमरजेंसी है, अस्पताल में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार कोई एडमिट है, तो नहीं लेके आया, ध्यान नहीं रहा क्योंकि उसमें होपलेस हो गया, लेकिन नहीं बोले चालान, भाई चालानी चालान करते रहोगे आप, ये कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज नहीं है, जब कोई अपनी परेशानी को लेकर के इनके पास जाता उस समय कोई FIR नहीं करते हैं, कोई नहीं जा करके वहां पर जो है देखता है, उसके बाद जब वो व्यक्ति मर जाए और रोड पर व्यक्ति आ जाता है
जब उसके बाद इनकी आंखें खुलती हैं, ये तो पता चल गया ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। अब ये हमारा जो राजा है वो ही खुद ऐसे है, प्रशासन भी सोच रहा है कर लो जो कुछ करना है। तो देखिए कायदे से 100 रुपये कर दीजिए, जैसे पहले होता था, 200 रुपये कर दीजिए, तीन दो चीज नहीं है तो कुछ नहीं है, 500 रुपये कर दीजिए, लेकिन 1000 रुपये हर चीज पर 1000 रुपये। भाई मजदूर कहाँ से लाए वो 1000 रुपये? मजदूर मैंने कई मजदूरों को देखा रोते हुए बिलखते हुए इसी भूतेश्वर पर, बोले साहब मुझ पर इतना पैसा है नहीं, मैं कहां से भरूंगा 1000 रुपये। गरीब मजदूर की तो कोई सुनने वाला नहीं है। फैक्ट्रियां बंद हो गई हमारे यहाँ, बहुत कारखाने थे छपाइयों के, बहुत कुछ होता था हमारे यहाँ, लेकिन अब देखिएगा अभी अभी चिकित्सालय में बगैर नोटिस दिए, बगैर सूचना दी उनको निकाल दे रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है? यानी गरीब और मजदूर तो आज इस सरकार में बहुत परेशान है, चाहे वो चालान के नाम पर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था के नाम पर हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था के ऊपर। ले लो आप बिजली की स्थिति क्या है, हम लोगों ने 9 दिन धरना दिया, भूखे मरे, लेकिन स्थिति वही की वही 2G। स्मार्ट मीटर लगे हैं उसके बाद भी दिक्कत आ रही है लोगों के बिल, एक बल्ब जल रहा है और बिल आ रहा है 50,000 का। अभी देखिए मेरे ही किसी रिश्तेदार का बिल प्रति महीना भरते हैं ऑनलाइन, लेकिन 2 महीने का बिल 10,000 आ गया है। क्यों भाई? मैं बोला ये पहले आता 1000 का, 800 का, और अब तो लाइट कम चलेगा, कूलर चलेगा नहीं, इतना कहां से आ गया? तो उसने कैलकुलेशन लगाया और लगा के क्या बोले मुझसे एक्शन, कि वो छोड़ता हुआ चला रहा था तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है, ये अब कहां से आ गया? बोले 5.5 रुपये के हिसाब से हमने आपका बिल बना दिया है। कहने का यह है इन्होंने चिप लगा रखी है, वो जंपिंग लेता है, आप बंद कर दो लाइट, उसमें चलाओ फिर भी चलेगा वो। जबकि पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि 2G को हटा दो, जंपिंग लेता है, 4G और 5G लगाइए, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। करोड़ों का आज भी प्रतिबंध के बाद भी पेमेंट हो रहा है बिजली, हर व्यक्ति आज रो रहा है पूरे यहां। अब हम लोग क्या कर सकते, लोकतंत्र में यही तो कर सकते हैं कि भाई भूख हड़ताल कर सकते हैं। हमने एक विचार किया, सबसे आग्रह किया है, हमारे यहां के विधायक हैं और वही मंत्री हैं, क्यों ना उनका घेराव किया जाए, डेरा डालो और घेरा डालो। आखिर में ये बताइए, आखिर वो मीटर बिगर जलाने से, बिगर बल्ब जलाने से कैसे चले? अभी देखो लॉकडाउन हुआ, काफी दुकानें बंद थी लोगों की, नहीं खुली, उसके बाद भी आया है, किसी को 4,000, किसी का 3,000। भाई जब बंद है तो मिनिमम ही तो आना चाहिए, फिक्स चार्ज आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है साहब, कुछ नहीं है, बोले मौका एक बार मिला है और मैं अपना भर लूं, आगे से होगी। आज कोई देशभक्त की बात नहीं करता है, कोई गरीब की बात नहीं करता है, कोई किसान की बात नहीं कर रहा है, कोई मजदूर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, शिक्षा दूसरे को है, खुद को नहीं। तो मथुरा में एक और नया मुद्दा छिड़ गया है मस्जिद को लेकर के। अब देखिए मैं उस समय थोड़ा याद है मुझे 1968 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक ईसाई DM थे यहाँ उस समय, हमारे यहाँ कोई जन्मभूमि कार्बोनी, क्योंकि वो उनका अलग था हमारा अलग था। तो घोसी एक जाति होती है जो भैंस और गाय पालती दूध बेचने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि भविष्य में कहीं कोई सांप्रदायिक ना हो जाए, उन्होंने जितनी भैंसें बनी हुई थी जहाँ पर वो बनी हुई है आज अंदर जाते हैं जेल, यही था। उन्होंने कहा देखो भाई आपकी जमीन का एरिया ये है, ये सारी संपत्ति
जन्मभूमि की है, तो बेचारों ने अपना अलग हटा लिया, उन्होंने बाउंड्री करवा दी। 1968 की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। उसके बाद समय बढ़ता चला गया, वहीं खेलते थे, वहीं सो जाते थे, कोई सिपाही तक नहीं आता था। यहाँ तक है कि 92 से पहले लोग उसी में सोते थे, जन्माष्टमी मना रहे और वहीं सो गए बेचारे सामान लेने के। आज स्थिति कैसी हो गई है? कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। हमारा देश आजाद हुआ नहीं, जिस तरीके से ये मुद्दा आप यहाँ छेड़ा है, राम मंदिर बना अच्छी बात है, सबकी आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है भगवान राम, अच्छी बात है मंदिर बना। लेकिन अब ये जो नए नए मस्जिदों को लेकर के कहीं न कहीं एक दूसरे में मनमुटाव आएगा या नहीं आएगा, इसमें जैसे कि आम लोग हैं उनमें तो मनमुटाव बनेगा। देखिए, इन लोगों का काम यही है, सांप्रदायिक, हमारे देश में सद्भाव रहना चाहिए, लेकिन नहीं। क्या जरूरत थी? उनका अलग है और एक मिसाल है, पूरे देश पूरी दुनिया में जा रही है, एक तरफ नवाज अदा होती है, एक तरफ भगवान की पूजा होती है, एक बहुत बड़ी मिसाल है। अरे अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है, सब कुछ वही तो है। हम अपना ईश्वर मान, क्या इन्हीं यही ठेकेदार है उसके? क्या हम हिंदू हैं, हम नहीं कर सकते? इनसे पूछा जाए कि आखिर में तुम करना क्या चाहते? कुछ नहीं है ये लोग। देखिए, पूछा जाए तो कांग्रेस ने ही खुलवाया राम जन्मभूमि का ताला, जो कि राजीव जी हार गए। उन्होंने किया जो कुछ करना था, नरसिंहा राव ने किया, इनका रोल क्या है उसमें? कुछ नहीं। ये तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर किया तो बोल रहे हो, अभी भी चुनाव में इनकी राम जन्मभूमि भी बात कर रहे हैं। अब ये जन्मभूमि यहाँ का ले लिया जब इनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा तो? अरे भाई, ये तो रसखान की है नगरी और कृष्ण की है। यहां से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, ये तो रसखान की है। और फिर ये मरने के बाद मनुष्य जाएगा कहाँ? बिसी में तो जाएगा। क्योंकि एक सुनाता हूं मैं आपको कि आदमी का जिस्म क्या, जिस पे कुल सैदा जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां, चंद्र शासों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की आंधी जब इसे टकराएगी, टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। अरे भाई, सभी को यही रहना, यहीं से पैदा हुए, कोई आ रहा है, कुछ समय तुमने भोगा, फिर दूसरा भोगेगा, फिर तीसरा भोगेगा, फिर चौथा भोगेगा, कुछ नहीं है। ये सांप्रदायिकता फैला करके सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ ताराचंद गोस्वामी, इनसे हमारी बातचीत हुई, आपने देखा जाना, तमाम मुद्दों पर बात हुई। कल फिर किसी शख्सियत के साथ शाम को 7 बजे फिर मुलाकात होगी। मैं हेमंत कटारा, सिटी नेटवर्क, मथुरा, हलचल।